हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, 14th लेक्चर। लास्ट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हम ये लेक्चर अच्छे से होने वाला है फ्रेंड्स। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो है वीडियो की पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है और वहाँ पर सभी नई नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें लिखा हुआ हाइड्रो एंड कार्बन, तो आपको पता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स या फिर पैराफिन्स एंड हैव जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू, तो वेयर एन वन टू थ्री। तो इसमें आप याद रखिए कि एल्केन्स क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर जिनके अंदर जो कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उनको एल्केन्स बोलते हैं या फिर पैराफिन्स बोलते हैं। मेथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, तो मेथेन याद रखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है, बस इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज हैव जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन। ऊपर वाले में क्या था, प्लस टू और लगा हुआ था, बस इतना याद रखिए। फॉर एल्कीन एंड फॉर एल्काइंस माइनस टू हो जाता है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एथाइलिन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन एंड एसिटिलीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। तो थोड़ा सा बस इथाइलिन और एल्काइन देख लीजिए मेंबर्स किस किस के हैं। नेक्स्ट है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दीज हैव रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो बस इतना याद रखिए कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, तो ये इतनी डीप नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको पढ़ना थोड़ा पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम सिर्फ वही करते हैं। ये फिर डीप जो केमिस्ट्री के अंदर चले गए, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है आइसोमर, आइसोमेरिजम्स, कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, तो ये याद रख लीजिए, ये सीधी डेफिनेशन आ सकती है। सी टू एच सिक्स ओ कैन बी हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये इसका जो सेम फार्मूला है इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा क्योंकि इसके अंदर देखिए दो का मतलब कार्बन है और छः हाइड्रोजन है और ओ सिंगल है, तो अलग अलग लिखा हुआ है ये, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ और है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सेम है। चलिए नेक्स्ट, यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इम्पॉर्टेंट यूजेज। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स पक्का एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो एक या दो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देख लीजिए मिथेन, मिथेन कहाँ यूज होती है, इज यूज टू मैन्युफैक्चर प्रिंटर इंक मिथाइल एल्कोहल एंड टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। तो हम मिथेन क्या करते हैं, ये प्रिंटर इंक के जरिए यूज हो सकती है और मिथाइल एल्कोहल में यूज हो सकती है और लाइट और एनर्जी लेने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन C2H4, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, CH4 मिथेन का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अगर पूछा भी गया। इथाइलिन का C2H4 इज यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस किससे बनती है, इथाइलिन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कि वॉर गैस बोलते हैं। एंड फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, तो उनमें कौन सी मतलब ये लगाई जाती है, इथाइलिन लगाई जाती है। इथाइलिन की वजह से जो है फ्रूट्स को पकाया जाता है, तो वो इथाइलिन यूज की जाती है। ग्लाइकॉल C2H6O2 इज यूज एज एन एंटी फ्रीज मिक्सचर इन कार रेडिएटर एंड टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लाइकॉल है जिसका फॉर्मूला C2H6O2 है, बस याद रख लीजिए ये किस लिए होता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर। अब आपने देखा होगा कि शिमला चले जाओ या फिर कहीं पहाड़ों में जहाँ पर फ्रीजिंग मतलब कि जल्दी से जो कारों का पानी ठंडा होता है, रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाता है। रेडिएटर वो होता है फ्रेंड्स जो इंजन को ठंडा रखने के लिए काम आता है रेडिएटर। तो रेडिएटर में क्या होता है, रेडिएटर में कूलेंट होता है, वो जम गया तो गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो उनको एंटी फ्रीजिंग जो डाला जाता है, एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। जिससे कि क्या है, शिमला में अगर मान लो 3 दिन गाड़ी खड़ी है, बाहर सभी जगह बर्फ जम गई है, लेकिन गाड़ी का जो रेडिएटर का पानी है वो नहीं जमेगा क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकॉल डाला हुआ है। इससे उसका क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन चला जाता है, मतलब उतना पहुंचेगा तो जाके वो जो है वहाँ पर मतलब बनेगी बर्फ, अदरवाइज वो नहीं बनेगी, तो फ्रीज नहीं होगा पानी। नेक्स्ट है एसिटिलीन, C2H2 इज यूज टू जनरेट लाइट टू वेल्ड मेटल्स एज ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम एंड टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबर, जिसको कि न्योप्रेन बोलते हैं। तो न्योप्रेन जरूर याद रखिए, एक सिंथेटिक रबर है, कई बार ऑप्शन में कन्फ्यूज कर सकता है आपको। तो एसिटिलीन गैस के लिए यूज होती है, एनर्जी मतलब कि लाइट लाइट के लिए यूज होती है और जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है मिथाइल एल्कोहल, CH3OH इज यूज एज ए फ्यूल विद पेट्रोल, यूज टू सिंथेसाइज वार्निश एंड पॉलिश, यूज टू डीनेचर इथाइनॉल। तो मिथाइल एल्कोहल कहाँ पर यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज हो सकता है
वार्निश की तरह यूज और पॉलिश की तरह ये यूज होता है। क्लोरोफॉर्म इज यूज एज एनेस्थेटिक एंड टू प्रिजर्व सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट कन्वर्ट्स इनटू पॉइजनस फोसेंज व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, सो इट इज केप्ट इन डार्क बॉटल्स। तो जो क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा मूवीज में, क्लोरोफॉर्म सुंघा के उनको क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, तो ये वही है। क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और टू प्रिजर्व सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो हम प्लांट्स से लेते हैं सब्सटेंसेज उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होता है। एंड एनिमल्स, जो हम एनिमल्स से लेते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज होता है। और ये एक पॉइजनस चीज है जब सनलाइट में इसको एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, C3H8O3 इज यूज टू सिंथेसाइज एक्सप्लोजिव नाइट्रो ग्लिसरीन स्टैम्प इंक एंड बूट पॉलिश। तो ये ग्लिसरीन के काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरीन, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड CHCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। इज यूज एज ए प्रिवेंटिव फॉर द फ्रूट्स एंड जूसेस इन लेदर इंडस्ट्री एंड इन कोगुलेशन ऑफ रबर। तो ये फॉर्मिक एसिड है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला देख लीजिए। इज यूज इन विनेगर मेडिसिन एंड एज ए सॉल्वेंट, तो ये इसके यूजेज हैं। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, इज यूज इन प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स, फोटोग्राफी एंड इन सिंथेसिस ऑफ कोलेटर। तो इसमें फ्रेंड्स ये फोटोग्राफी वाला जरूर याद रखना है, कई बार ये आया हुआ एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6, इज यूज फॉर सिंथेटिक ऑफ एल्कोहल एंड प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट जूस। तो जो ग्लूकोज है ये फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के काम आता है। नेक्स्ट है बेंजीन C6H6, इज यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। जो बेंजीन जो है बेंजीन है C6H6 है, ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ऑयल फैट में, और जो है क्लीनिंग के लिए यूज होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। सोडियम बेंजोनेट इज फूड प्रिजर्वेटिव, तो सोडियम बेंजोनेट क्या है, एक फूड प्रिजर्वेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आ सकता है ये। नेक्स्ट है टोल्यूनिन, इज यूज एज ए सिंथेटिक एक्सप्लोजिव TNT फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन लाइक क्रोमाइन। तो ये याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनॉल और इथाइल एल्कोहल इज यूज टू सिंथेसाइज एक्सप्लोजिव। और नेक्स्ट है इथाइलिन एल्कोहल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग इन मेडिसिन टू प्रिपेयर टिंक्चर एंड एज एन इंसेक्टिसाइड्स। तो इथाइल एल्कोहल मेडिसिन की तरह यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी केमिस्ट्री यहाँ पर फिनिश हो गई है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि इसके अंदर मैं पहले फिजिक्स करवा चुका हूँ, अभी बायोलॉजी हम शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजी की कुछ टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी बायोलॉजी आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। और पॉलिटी और ज्योग्राफी के पॉलिटी इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी रह गई है, तो ये आपको जल्दी से कवर करवा दी जाएगी, डोंट वरी, आपका ये सारा सिलेबस जल्दी से कवर करवा दिया जाएगा। बायोलॉजी क्वाइंड बाय लैंडमार्क, तो बायोलॉजी टर्म किसने क्वाइन की थी, लैंडमार्क ने एंड थ्री वायरनेस इन 1802। इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज मेनली इंक्लूड बॉटनी, जिसको कि स्टडी ऑफ प्लांट बोलते हैं। ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है, बॉटनी होता है, और स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी होता है, और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तीन क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉपुलर साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। जो पॉपुलर साइंटिस्ट है जिनमें से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, की स्पीसीज का ओरिजिन कब हुआ था, इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी इन्होंने दी थी थ्योरी। तो ये दो चीज़ें चार्ल्स डार्विन से जुड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है मेंडल, प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है 1866 के अंदर। नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब एवरी ईयर 5 से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और हर एग्जाम के अंदर होता है ये रिपीट, कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में मिलता ही मिलता है। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एंड नॉर्मन बोरलॉग वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। नेक्स्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती डेवलप्ड सुपर बग, जिसको कि सोडमेनस पुटिटा बोलते हैं, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपको सुपर बग नहीं दिया गया, उसमें ये लिखा होगा कि ये किसने डेवलप किया था, ये किसने डेवलप किया है, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। तो ये इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रख लीजिए, थोड़ा सा अटपटा नाम है, इसलिए यही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ है, देख लीजिए आप इसको पढ़ लीजिए। कॉलर एंड मेलस्टेन डिस्कवर्ड हाइड्रो मेटा टेक्नोलॉजी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक जेफरी ने डिस्कवर्ड ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्होंने सर्च की थी एलेक जेफरी ने, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लोगों को बता दूंगा। रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर्ड सेल एंड रोट बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लीजिए, रॉबर्ट के बारे में याद रखिए कि इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था,
और जो माइक्रोग्राफिया बुक जिसने लिखी रॉबर्ट हुक ने, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और ये आप छोड़ सकते हो, ये भी इतनी जरूरत नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। वॉटसन एंड क्रीक प्रपोज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के नहीं जाना है, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डबल हेलिकल ऑफ मॉडल डीएनए जो है डबल हेलिकल है, मतलब कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है फ्रेंड्स, डबल हेलिकल्स इसको बोलते हैं, मतलब एक हेलिकल और दूसरा ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है। तो ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन, तो इन्होंने याद रखी है हरगोविंद खुराना जी का कंट्रीब्यूशन। कैरीम्यूलिस इन्वेंटेड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, तो इन्होंने ये इन्वेंट किया था, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, सॉरी अब हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारे बता दिए। इनमें से फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 नाम है जो याद रखने वाले हैं, हर एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब लिविंग वर्ल्ड इन 18th सेंचुरी कार्लिस लेनस डेवलप्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, तो उन्होंने 18th सेंचुरी में इनके बारे में पता किया था। तो विटेकर नाम याद रख लीजिए, क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। तो ये आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में बटा हुआ है, तो ये कहा था विटेकर ने, विटेकर 1969 में कहा था। वो 5 कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट है, उस मतलब क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो 5 याद रख लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और जिसको लोग फंगी प्रोनाउंस करते हैं, प्लांटेई एंड एनिमिलिया, ये 5 फ्रेंड्स नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक वीडियो पहुंची है, तो फ्रेंड्स ये नीचे 5 जरूर कमेंट कीजिए, इससे क्या आपको याद रह जाएंगे आपको कि ये कौन कौन से 5 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होते हैं एंड माइकोप्लाज्मा, तो मोनेरा के अंदर ये 2 चीजें हैं। वाइल्ड प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, प्रोटोजोआ होते हैं और सम यूकेरियोट्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोटोजोआ और यूकेरियोट्स वो क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, फंजाई होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा वहां पर। अब थर्ड है वायरस, वायरस कौन कौन से होते हैं, वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट पैरासाइट इंट्रा सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, तो जो न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर वो वायरस होते हैं जो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और WM स्टेले क्रिस्टलाइज्ड TMV, ठीक है। और नेक्स्ट है वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, तो वायरॉइड्स ने सर्च किया था स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA, तो ये याद रख लीजिए। और फ्रेंड्स इसमें जो कुछ टेबल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टेबल अगर आप याद करेंगे तो आपका मतलब कि 1 या 2 क्वेश्चन उस टेबल में से पक्का एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल, तो सेल स्मॉलेस्ट चीज होती है बॉडी में, चलिए शुरू कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्केलेडिन एंड स्क्वेन, तो ये नाम उसके याद रखने की जरूरत नहीं भी है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एन ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेल, जिसमें सिंगल सेल तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, तो सेल 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देख लीजिए कौन कौन से क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फाउंड इन बैक्टीरिया, तो ये जरूर याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स ये बैक्टीरिया में मिलते हैं, माइकोप्लाज्मा में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। वाइल यूकैरियोटिक सेल, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, तो वो किसके अंदर मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर मिलते हैं। तो मतलब इसमें सिंगल सेल और डबल सेल का होगा कॉन्सेप्ट। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक्स विच लैक्स न्यूक्लियस, अब प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड मेंबर्स बाउंड ऑर्गेनेलीज, एंड यूकेरियोटिक्स जिसके अंदर की न्यूक्लियस होता है और जो मेंबर बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो फ्रेंड्स कुछ सेल इस तरह के जिसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और कुछ सेल ऐसे जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं यूकेरियोटिक्स। अब यूकेरियोटिक के अंदर 3 चीजें हैं याद रख लीजिए, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी 3 चीजें हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये याद रखिए इनमें से एक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा ये जो है 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के नहीं जानी, ये भूलने भी नहीं है, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सिस्टम, अब ह्यूमन सिस्टम के अंदर देख लीजिए, द सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज इन टू टिश्यूज,
टू और मोर टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जो कई ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ अ बॉडी। चलिए इसके अंदर वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम सारे सिस्टम पढ़ेंगे हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। सबसे पहला है डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स। अब हम कुछ भी खाते हैं, मान लो आपने बर्गर खाया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, किसी ने और मतलब जो भी आपको पसंद है, जो भी आप खा रहे हो, तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उसको क्या कन्वर्ट करते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम्स, उनको क्या नाम बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस याद रख लीजिए। अब बात करते हैं मेजर एंजाइम्स ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, पॉज करने के बाद ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिए और इनको पढ़िए, याद रखिए, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। मेजर एंजाइम्स डाइजेशन के लिए कौन कौन से होते हैं, एंजाइम का नाम देख लीजिए, स्लेवरी एंड एमाइलेस, जिसको बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेस। तो इसका सोर्स क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह के अंदर होती है स्लेवरी ग्लैंड्स, वहां से ये मतलब प्रोड्यूस होता है। और वेयर एक्टिव, माउथ के अंदर एक्टिव रहता है। सब्सट्रैक्ट, ये पॉली, तो ये आप छोड़ सकते हैं सब्सट्रैक्शन को। और मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, तो डिसैकेराइड्स, तो ये याद रख लीजिए, ये चीज़ आप छोड़ सकते हो लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये मतलब कि सबसे पहला एंजाइम, दूसरा उसका सोर्स क्या है, और एक्टिव कहाँ पर रहता है, काम कहाँ करता है। पेनक्रेटिक एमएलएस, ये पेनक्रियास में होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है डिसैकेराइड्स, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर ये एक्टिव रहता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलनी है, क्योंकि वो क्या देगा आपको, एंजाइम दे देगा, सोर्स दे देगा, लेकिन पूछेगा ये एक्टिव कहाँ पर है। नेक्स्ट में क्या दे देगा, वो एंजाइम दे देगा, एक्टिव कहाँ वो बता देगा, लेकिन सोर्स नहीं बताएगा, सोर्स पूछ लेगा। तो ये तीनों चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से याद रख लीजिए। ये है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन डाइजेशन, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये जो सेलेवरी एमएलएस, ये नहीं भूलना, और ये पेनक्रेटिक एमएलएस, ये दो नहीं भूलने हैं। नेक्स्ट प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, पेप्सिन, ट्राइपेप्सिन एंड कैमोट्रेप्सिन, कार्बोपेप्टिसाइड एंड एमिनो पेप्टिसाइड। तो इसमें से ये दो आप छोड़ सकते हैं, और ये पेप्सिन और ये जो एमिनो पेप्टिसाइड है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेप्सिन कहाँ पर जो है एक्टिव रहता है, इसका सोर्स क्या है, स्टोमक मुकोसा, स्टोमक के अंदर एक्टिव कहाँ रहता है, ये स्टोमक के अंदर एक्टिव रहता है। और सब्सट्रेट क्या करता है, ये प्रोटीन्स, और ये आप छोड़ सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको। और एमिनो पेप्टिसाइड इंटेस्टिनल मुकोसा के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, सोर्स है, और एक्टिव कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक्टिव रहता है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है, सीधा क्वेश्चन यही आता है, लाइपेस। लेकिन बच्चे क्या पेप्सिन करके आ जाते हैं, क्योंकि पेप्सिन तो प्रोटीन का, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं रहता, तो हम पेप्सिन सुना होता तो पेप्सिन क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, लाइपेस इज द राइट आंसर। सोर्स क्या है, पेनक्रियास, और जो एक्टिव कहाँ रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका जो मेन ब्रेकडाउन है, फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लाइसराइड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, पेनक्रेटिक न्यूक्लियस और इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस। एक्टिव का सोर्स क्या है, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल मुकोसा। एक्टिव कहाँ रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जरूर याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल में फिर से आपको दिखा देता हूँ। टेबल यहाँ पर आप इसको रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते आप लोग इसको मतलब ऐसे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जिस तरह से भी करिए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो मेजर एंजाइम्स इन ऑफ डाइजेशन है ये जरूर याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन यहीं से बनता है। चलिए नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किसी दूसरे बच्चे का फायदा हो जाए जिस तक इस लेक्चर को पहुंचना चाहिए। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद होता है बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन टू फॉर्म सीओ टू, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में बी एनरोबिक विदाउट ऑक्सीजन और एनरोबिक विद ऑक्सीजन। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर की जो हम फूड को तोड़कर जो हमें जो मतलब कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, फैट प्रोटीन चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है और विदाउट ऑक्सीजन हो सकता है। जब कोई भी मतलब कि सिस्टम, जब कोई भी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, और जो विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक और एरोबिक जरूर याद रखिए, ये जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन किसमें होते हैं। सबसे पहले लंग्स, ये होते हैं लंग्स, ये रेप्टाइल्स के अंदर होते हैं और मैमल्स के अंदर होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे एनिमल्स लिखा हुआ है, और नेक्स्ट है गिल्स, ये फिशेज में, टेडोपोल्स में, प्रॉन्स में, और लंग्स और गिल्स जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है एयर ब्लैंडर, लॉन्ग फिश में, बोनी फिश में ये प्रेजेंट होता है, और लेबियो क्या एक टाइप ऑफ फिश है, और नेक्स्ट है ट्रैची, याद रखिए ट्रैची इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ट्रैकिया और सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, तो ये इंसेक्ट्स याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी पढ़ना तो पढ़ लीजिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एयर सैक्स या लंग्स ये बर्ड्स के अंदर भी होते हैं। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इनमें से क्वेश्चन जनरली लंग्स और गिल्स के बारे में पूछ रहा था, ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लड, ब्लड को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं ब्लड को। तो द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड क्या हमारी पूरी बॉडी में एक मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, कि मतलब वो कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को। आपने देखा होगा पूरी बॉडी में खून ही चलता है, और हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं होता अगर वो खून नहीं है, किसी का अगर खून सारा निकल जाए तो बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी वेस्ट हो जाती है, तो डेथ हो जाती है। तो खून सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी के अंदर, जिसको भी क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम किससे डील करता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से। अब जो अडल्ट पर्सन की बॉडी में कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर होता है एक ब्लड अडल्ट पर्सन की बॉडी में, और ब्लड का जो है एल्कलाइन होता है नेचर, हैविंग पीएच 7.3 to 7.4। अब पीएच क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पीएच क्या इंडिकेट करता है, एसिड को मतलब इंडिकेट करता है, बेस को इंडिकेट करता है, या न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, पीएच क्या होता है, ये मैंने सारा केमिस्ट्री के अंदर करवा हुआ है। प्लाज्मा इज ए पेल, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर है क्रैश कोर्स की जो है वीडियो पढ़िए, क्रैश कोर्स लिखा हुआ है नाम से, एक प्लेलिस्ट पढ़ी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर एक से लेकर जितने भी आज तक पूरे हुए सारे लेक्चर्स 1 to 3 मतलब डेट वाइज एड किए गए, आप लोग वो देख सकते हैं। प्लाज्मा इज ए पेल येलो ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, जिसके अंदर 60% ब्लड होता है। प्लाज्मा इज कम्पोज ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर, 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोनोजिन, प्रोटीन एंड 1% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। और नेक्स्ट है रेड ब्लड कॉर्पसल्स मोस्ट अबेंडेंट आर नॉन न्यूक्लेटेड एंड कंटेन हेमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कई लोग क्या करते हैं, जो चेक करवाते हैं कि यार मेरा ब्लड 9 ग्राम है, मेरा 12 ग्राम है, मेरा 15 ग्राम है, तो वो जो वो क्या चेक करते हैं, वो हेमोग्लोबिन चेक होता है, कि ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है वो चेक होता है। जनरल बॉडी का जो है हेमोग्लोबिन 9 से लेकर 15 तक होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और कलरलेस न्यूक्लेटेड एंड ग्रेनुलर और एग्रेनुलर। तो एक WBC होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक RBC होते हैं रेड ब्लड सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं बॉडी में। इओसिनोफिल्स आल्सो कॉल्ड एसिडोफिल्स आर फेगोकेटिक ग्रेनोक्लोट्स, एंड ये थोड़े नाम अटपटे से हैं, पढ़ लेना यार, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी, जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से कंट्रोल होती है, इन दो दो चीज़ों की वजह से, याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है बेजोफिल्स आर नॉन फेगोसाइटिक एंड इंक्रीज इन चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, बेजोफिल्स की वजह से। तो ये हमारा ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम था, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लीजिए। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में आप इसे याद कर लीजिए। तो सबसे पहले विटामिन ए बोलते क्या हैं इसको, रेटिनॉल इसका नाम है। फूड कौन कौन सा जिससे ये हमें रेटिनॉल मिलता है, फिश लीवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीवर, मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स एंड कैरेट कंटेन कैरोटीन दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू रेटिनल। तो ये सारी चीज़ें हमें विटामिन ए मिलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, एग्जामिनर ये पूछेगा, ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए, फिश लीवर ऑयल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लीफी जो मतलब पत्ते वाली सब्जियाँ हो गई, कैरेट्स, ये सब चीज़ें क्या मुझे रेटिनल देती हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, नीडेड फॉर हेल्थी एपिथेलिकल सेल्स, तो हमारे जो एपिथेलिकल सेल्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, नीड फॉर रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन ऑफ इनटू रेड सेल्स ऑफ द आई। तो जो हमारे रेड सेल्स हैं आई की आंखों के लिए, आपको पता है विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, और ड्राई स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये दो, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ड्राई स्किन हो सकती है और नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसको कि बोलते हैं इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसको क्या किस किस से मिलता है, रिच फिश ऑयल से, एग योक से, बटर से, इट कैन बी मेड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन स्किन। तो आप धूप लेंगे तो भी धूप से विटामिन डी मिलता है, आपने सुना होगा कभी कि धूप लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप 12 बजे जाकर सूरज के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ से विटामिन नहीं मिलता। हाँ अगर आप लोग मतलब सुबह 8 बजे या 9 बजे से पहले पहले सूर्य के टच में आते हैं, सूरज की मतलब धूप सेकते हैं, तो उससे आपको क्या विटामिन डी मिलेगा। प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बोन्स, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम यूरिन। तो यूरिन से जो फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है।
तो इसमें डेफिशिएंसी होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, रिकेट्स हो सकती है चिल्ड्रन में, जिसमें क्या है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हैं जो कि इजिली बेंड हो जाती है, उसको कि रिकेट्स बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ कि रिकेट्स किस तरह से क्या बीमारी है, किस चीज से डील करती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, हड्डियां जल्दी मतलब कि मुड़ जाती हैं। और ऑस्टेमेक्लिया पेनफुल ऑफ बोन्स इन एडल्ट, तो जो बुजुर्गों की हड्डियां वो दर्द होने लग जाती हैं वो इस जो विटामिन की कमी के कारण होने लग जाती हैं। तो अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मतलब कि डॉक्टर बनने की कगार पर हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका नाम है, टोकोफेरॉल वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों के तेल से, सीरियल प्रोडक्ट्स एंड मैनी अदर फूड्स। तो मैनी अदर फूड्स में यार इसने लिखा हुआ है, लेकिन आप वेजिटेबल ऑयल्स देख लीजिए, वेजिटेबल्स में सभी सब्जियों का ऑयल होता है, सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, इन रेड्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अफेक्ट मसल्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अनक्लियर इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में इसके कुछ ज़्यादा नहीं पता चले, और ये चूहों के बारे में बता रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उनके अंदर, मसल्स को इफेक्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। ये इसके फंक्शन है विटामिन ई के। ये हमें मिलता कहाँ से और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, माइल्ड एनीमिया एंड स्टेरिलिटी इन रेड्स। तो ये चूहों के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिशिएंसी इन रेयर इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर तो इस चीज़ की कमी विटामिन ई की कभी होती नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन, फ्रेश डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो मेड बाय गट बैक्टीरिया, तो वेजिटेबल्स का सोर्स है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये क्या ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, और इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, डिलेड क्लॉटिंग टाइम। जब आपका मान लीजिए कहीं आपके हाथ पे कट लग जाता है, तो जिनमें विटामिन के ज़्यादा होता है उनमें क्या है, आप एक एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए, वहाँ पर जो है क्लॉटिंग हो जाएगी, खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका विटामिन के की कमी है, तो आपके मान लीजिए कट लग गया, तो आप उसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखो, फिर जब छोड़ोगे खून फिर रिसने लग जाता है, तो ये विटामिन के कारण होता है। मे अकर्स इन न्यू बॉर्न बेबीज बिफोर देयर गट बैक्टीरिया बिकम इस्टेब्लिश। तो क्या होता है कि जो जो ये बीमारी है, ये जो विटामिन के की कमी है, ये न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर होती है, जनरली ये कमी नहीं होती। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल्स विटामिन, तो फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे कि हाँ सर ने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, अब कैसे पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट कमेंट करके बता दीजिए, सर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से प्रोवाइड करा दीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रोवाइड करा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, टेलीग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।